चलिए दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं चैनल वंश चावला। फिर से आज हो चुका है एक नया कंटेंट, एक नई वीडियो साथ आपके अपने चैनल वंश चावला के ऊपर। आज आपके लिए क्या हूं पांच न्यू खबरें जिनके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। फुल न्यूज ताजा ताजा लेके आया हूँ आपके लिए। सारी खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल वंश चावला के ऊपर। बढ़ते हैं हमारे टेक न्यूज नंबर वन के ऊपर। पहली न्यूज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, LG ने यहाँ हाल ही में लॉन्च करने वाला है जल्दी ही अपने वायरलेस टोन एयरबड्स, जिसका उसने नाम रखा है LG's न्यू टोन एयरबड वायरलेस। और यहाँ पर विद मेरिडियन ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ ये आने वाला है। ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं साइट पर, कैसी लुक लग रही है व्हाइट कलर में। अमेजिंग लुक तो लग रही है, पर जब आता है तो देखते हैं। और विद सेल्फ क्लियरिंग चार्जिंग केस के साथ ये आने वाला है। 6 hours का बैटरी बैकअप हो सकता है इसके अंदर, बाकी देखते हैं जब ये इंडिया में लॉन्च होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी सेकेंड न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज यहाँ पर लेके आया हूँ OnePlus की तरफ से। OnePlus के CEO पीट लुईजी ने यहाँ पर हाल ही में हुए इंटरव्यू में अपने OnePlus के अनकमिंग टीवीज के बारे में बताया है कि वो कैसे लाइन सेटअप करने वाले हैं। डिफरेंशिएटिंग टीवीज के बारे में बता रहे हैं वो कि अपने बजट में वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं पर डिजाइन और क्वालिटी नहीं। तो यहाँ पर हाल ही में अभी लॉन्च होने वाला है OnePlus का टीवी, जो जिसका प्राइस हो सकता है मिनिमम 19,000 से 20,000 के अंदर। यहाँ पर उसकी पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों आप। ये टीवी हाल ही में लॉन्च होने वाला है 2 जुलाई को, OnePlus का टीवी। बढ़ते हैं हम दोस्तों हमारी थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज लेके आया हूँ दोस्तों यहाँ पर OnePlus की तरफ से है। OnePlus का जैसे कि मैंने आपको जेट सीरीज के बारे में बताया था, पता नहीं जेट सीरीज लॉन्च होने वाली है कि नहीं, यहाँ टीजर और रूमर निकल के आई जा रहे हैं। वहां पर एक और फोन है OnePlus का नोट, जिसमें बताया जा रहा है कि OnePlus का नोट सीरीज के अंदर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा मिल सकता है। देख सकते हैं ड्यूल सेल्फी कैमरा यहाँ पर, और इसमें आपको 32 megapixel का फ्रंट कैमरा रियर और उसके साथ वाइड एंगल कैमरा मिल सकता है 8 megapixel का। क्या ये बात सच है? देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या लेके आता है OnePlus हमारे लिए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी फोर्थ न्यूज की तरफ। दोस्तों फोर्थ न्यूज है यहाँ पर Realme की तरफ से। आने वाले समय में शायद हम Realme के गेमिंग स्मार्टफोन देख सकते हैं, शायद ये जुलाई में या आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर Realme के देख सकते हैं ये है गेमिंग पैड, जहां पर एक टीजर निकल गया है, पिक्चर निकल के आई है गेमिंग पैड की। तो देख सकते हैं आने वाले समय में शायद गेमिंग फोन आए, या हम जो फोन लॉन्च कर रहे हैं उसी में ये गेमिंग पैड्स लगाकर हम गेम खेल पाए आराम से। और एक और न्यूज है दोस्तों Realme की तरफ से, C11 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है शायद उसमें। ये है कुछ उसका स्क्रीनशॉट फीचर्स के बारे में, देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी है एंड ऑल आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं आने वाले समय में या ये इंडिया में लॉन्च होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट न्यूज की तरफ। फिफ्थ न्यूज ये है कि पबजी में, मतलब पबजी जो गेम है आप खेलते हैं, उसमें एक नया मैप लिविक मैप जल्दी आने वाला है। इसमें आपको देख सकते हैं लिविक मैप की इमेजेस, कुछ साइड में स्क्रीनशॉट में आपको शो कर रहा हूं। और यहाँ पर इसमें वॉटरफॉल भी हो सकता है और भी कई सारे फीचर्स इसमें आने वाले हैं। इसमें 40 members खेल पाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल गेम खेलते हैं 100 members होते हैं उसके अंदर, तो इसमें 40 members खेल पाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में कि ये कब ग्लोबल में लॉन्च होता है, तो आपके लिए लेके आऊंगा फिर से। तो देखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आपको आज की वीडियो? आपको 5 news के बारे में बताया है, सारे फ्यूचर्स के बारे में उनके बारे में बता दिया आपको। इसी तरह आपके लिए टेक न्यूज लाता रहूंगा नए नए फीचर्स के साथ, नई अनबॉक्सिंग के साथ। मेरे चैनल पे आप बने रहिए। तो फिर से हाजिर रहूंगा एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। 1, 2, 3, come on!